आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चावल के आटे का बहुत ही आसान और हल्का फुल्का नाश्ता। तो जब भी आपको फटाफट से कुछ बनाने का और चटपटा खाने का मन हो तो ये नाश्ता बना करके खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप के करीब चावल का आटा। उसके बाद से इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक ऐड करने के बाद से इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके। अगर आपको अजवाइन नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या इसके जगह जीरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद से इसमें 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल से नाश्ता सॉफ्ट बन करके रेडी होगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद से अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो लगा करके रेडी करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है, और आजकल गर्मियों के मौसम में सब लोग हल्का फुल्का ही नाश्ता बनाने का सोचते हैं। आप इस नाश्ते को बना करके ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा डो लगा करके रेडी कर लेंगे। डो लगाने के बाद से अब हम लोग इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो आटा है वो सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद से यहाँ पे आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। एक बार हम लोग इसे अच्छी तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद से यहाँ पे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हम लोग का चावल के आटे का डो लग करके रेडी है। अब बस दोनों हाथों में अच्छी तरीके से तेल लगाएंगे, और तेल लगाने के बाद से आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इस तरीके से बिल्कुल लंबा लंबा हम लोग नाश्ता बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से नाश्ता बना करके रेडी करते जाएंगे, बस थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और ऐसे ही बना करके ये देखिए रेडी करते जाएंगे। बहुत कम मेहनत में ढेर सारा नाश्ता बन करके रेडी हो जाता है। तो तेज भूख भी लगी हो ना, तो आप ये नाश्ता अपने बच्चों को बना करके खिला सकते हैं। आप चाहे तो इसे मन पसंदीदा शेप में भी बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल, राउंड, जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने ढेर सारा बना करके रेडी कर लिया है। अब बारी है इसे स्टीम करने का। तो यहाँ पे मैंने पानी को पहले से गर्म करने के लिए रखा था। जब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम लोग यहाँ पे स्टीम वाला प्लेट लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने प्लेट में स्टीम वाले तेल को पहले से लगा करके रखा था, ताकि नाश्ता चिपके ना। और उसके बाद से इसमें हम लोग सारा नाश्ता इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ना रह जाए। तो हम लोग चारों तरफ इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे, ताकि जो सारी नाश्ता है ना वो अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए, कुछ भी कच्चा ना रह जाए। तो इस बात का ध्यान देते हुए हम लोग इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद से हम लोग इसे ढक करके स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे ढक करके 5 से 6 मिनट की स्टीम होने दीजिए, ताकि अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए, कच्चा ना रह जाए। तो ये लीजिए, 5 से 6 मिनट के बाद से ये अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसे साइड में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, और तेल डालने के बाद से थोड़ा सा राई दाना और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। आप चाहें तो कड़ी पत्ता के जगह धनिया के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद से इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। और यहाँ पे आप मसाले की जगह चाट मसाला या फिर अपने पसंदीदा मसाले भी ऐड कर सकते हैं इस नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए। अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर जो नाश्ता हमने स्टीम करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने कम मसालों में और कम चीज़ों से नाश्ता बनाया है। अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे इसे बिल्कुल हल्के हल्के के हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि ये टूट ना जाए और अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए सारे मसाले सारे नाश्ते के ऊपर। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बनकर के रेडी है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, है ना ये मज़ेदार सा नाश्ता, तो आप भी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय, नमस्कार, स्वागत है मेरी चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो फटाफट से बनकर के रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने ये नाश्ता कच्चे चावल के आटे से बना करके रेडी किया है। खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी लगती है, तो आप भी ये नाश्ता बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद से थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और उसके बाद से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से इसमें मिला लेंगे।
मिलाने के बाद से अब हम लोग इसमें एक से दो बॉयल अच्छी तरीके से आने देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे एक बढ़िया सी बॉयल आ चुकी है इसमें। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 कप कच्चे चावल का आटा। अब हम लोग इसमें ऐड करने के बाद से अभी से अच्छी तरीके से इसे लगातार मिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए, और अच्छे तरीके से मिला करके हम लोग इसे एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, बस यहाँ पे गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखते हुए हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद से जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए हाथों में सहन करने लायक, तब हम लोग इसे एक अलग मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। मिक्सिंग बाउल में निकालने के बाद से अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉयल आलू, घिस करके बिल्कुल हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़े से धनिया के पत्ते, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से हाथों से मसलते हुए इसे मिला लेंगे। यकीन मानो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही फटाफट से बनकर के रेडी होता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब हम लोग इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद से यहाँ पर आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इसे चम्मच की हेल्प से हाथों में थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और अच्छी तरीके से चिकना करते हुए हम लोग इसकी लोई बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा करके रखा है ताकि अच्छी तरीके से चिकनिंग हो जाए और हाथों में चिपके भी ना। तो ये लीजिए, इस तरीके से लोई बना करके हम लोग रखते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से ढेर सारी लोई बना करके हम लोग इसकी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर लोइयाँ अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब बस हम लोग एक चकली लेंगे, चकली पर इस तरीके से लोई को रखेंगे और बेलन की हेल्प से अच्छे तरीके से बेल लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से बेल लिया है। बेलने के बाद से अब हम लोग इसे कटोरी की हेल्प से इस तरीके से कट करेंगे ताकि सारी पूड़ियाँ बिल्कुल इस तरीके से एक शेप में और एक साइज़ में रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसी की तरह हम लोग को बना करके रेडी करते जाना है। तो इसी तरीके से ढेर सारी पूड़ियाँ बेलते जाएंगे और कटोरी की हेल्प से इस तरीके से कट करते जाएंगे। इस तरीके से ये बनाना भी आसान हो जाता है और शेप और साइज एक जैसा हो जाता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ इस तरीके से बना करके रेडी कर ली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरीके से इसमें नाश्ते को डाल करके छानते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर में पूड़ियाँ बिल्कुल गोल गोल फूलने लगेंगी। इस तरीके से बस आपको तेल उसके ऊपर इस तरीके से करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही प्रेस करेंगे ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल करके रेडी है। अब बस इसे गर्मा गर्म तेल से बाहर निकालते जाएंगे और यहाँ पर हमारा नाश्ता बन करके रेडी है। सच में ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने ये नाश्ता चावल के आटे से बनाकर की रेडी किया है। बहुत ही सॉफ्ट और सुपर डुपर टेस्टी नाश्ता बनकर की रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय।